बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग आइडिया विद ब्यूटी टिप्स में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खुश भी होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू पालक। उसके लिए जो हमें चीजें चाहिए, 2 गट्टी पालक की ली है जिनको ऐसे कटिंग कर लिया है। धोना हमने इसको तब है जब हम इसको बिल्कुल अंदर डालने लगेंगे, जब मसाला भून के हम इसको अंदर डालेंगे तो उस स्टेज पे आके हमने इसको धोना है अच्छे तरीके से। 1/2 किलो आलू लिए हैं, 1 टमाटर लिया है, छोटे साइज का प्याज लिया है जिसको ऐसे कटिंग कर लिया है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून भर के, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हसबे जायका नमक लेना है, इसमें नमक की क्वांटिटी कम रखनी है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून भर के दादनी मिर्च ली है और हमें ऑयल चाहिए। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, इसमें ऑयल ज्यादा यूज होता है, प्याज भी डाल लिया। अब इसको हम लाइट सा फ्राई करेंगे। लेकिन प्याज ब्राउन हो रहा है, हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, हल्का से इसको फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर हरी मिर्च और टमाटर डाल देंगे और बाकी स्पाइसेस ऐड करके इसका मसाला बना लेंगे। ये देखें जी, ये भी फ्राई हो गया। अब इसके अंदर टमाटर जाएंगे, हमने पानी इतना यूज नहीं करना, हरी मिर्चें जाएंगी, पानी इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि टमाटर का भी पानी निकलता है, तो हम इसी पानी के अंदर इसको फ्राई करते रहेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तरीके से फ्राई हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, इसके अंदर जाएगी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, इसमें मिर्ची जो होती है वो थोड़ा ज्यादा तीखी होनी चाहिए फिर ही ज्यादा मजे की लगती है, दादड़ी मिर्च, नमक, नमक की क्वांटिटी इसमें मैं आपको बार बार बता रही हूँ कम रखेंगे। हम एक छाननी में डाल के पालक को अच्छे तरीके से धो लेंगे, पालक को बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे ताकि उसके अंदर जो मट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। ये तो मैं स्टेज पे पालक अंदर ऐड कर चुकी हूँ और इसको मैंने मिक्स भी कर लिया, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें पहले ही कुदरती तौर पर पानी होता है और इसी पानी से ये पालक गल जाएगी। जब ये थोड़ी सी गलेगी तो फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे और आलू डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके दम पर लगा देंगे। चलें अब इसको 5 मिनट के लिए दम पर लगाते हैं और तब तक ये थोड़ी बहुत गल जाएगी, फिर इस स्टेज पर आकर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है और इसमें पानी भी है क्योंकि इसमें पहले ही पानी होता है और इसमें बहुत से नमकियात पाए जाते हैं, इसलिए हम इसके अंदर नमक भी कम ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और जिन्हें खून की कमी है उन्हें तो पालक खानी चाहिए, इनको बहुत ही फायदेमंद होती है, इसमें बहुत विटामिन होते हैं। कुछ लोग पालक को बॉईल करके बनाते हैं और उसके सारे विटामिन जाया कर देते हैं, कहते हैं कि हमारी पालक का कोई टेस्ट ही नहीं है। आप हमारी रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही मजे की बनती है पालक। आलू ऐड करते हैं, देखें जो मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, अब आपके सामने मैं इसको मिक्स करूंगी और हम इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको दम पे लगाएंगे और इसी पानी के साथ हमारी पालक भी गल जाएगी और आलू भी गल जाएंगे और ये बहुत ही मजे की, बहुत ही टेस्टी पालक बनेगी जिसकी तरफ देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। और आपको ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारी रेसिपीज को एंजॉय करें और फॉलो भी करें हमें। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स करके हम इसकी फ्लेम को जरा हाई कर देंगे थोड़ा सा। जैसे हम इसको हाई करेंगे और इसको हम इसके ऊपर कैप दे देंगे, कैप देने के बाद इसकी तकरीबन 15 मिनट बाद हम इसके दम को ओपन करेंगे और देखेंगे। जी मैं दम को खोलने लगी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें और ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो चुका है और हमने इसको हलाना है बिल्कुल लाइट हाथ से ताकि अगर हमारे आलू जो है वो टूटे नहीं। और जिनके घर वालों को शिकायत है उनसे कि उनकी पानी वाली पालक बनती है क्योंकि लोग बॉईल करके बना लेते हैं, तो उनकी शिकायतें हो जाएंगी खत्म अगर आप हमारी रेसिपी को करेंगे ट्राई, हमारी रेसिपी को फॉलो करें, इसको बनाएं, बहुत ही मजे की बनती है। ये देखिए आलू भी गल चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं आलू भी हमारे, अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आलू पालक हो गई है रेडी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं चम्मच के साथ आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए हमारा आलू गल गया है,
बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह गरम गरम बिल्कुल, वाओ। प्लीज हमारी रेसिपी को ट्राई करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।